सुपर पोजिशन अगर हम देखें, सुपर पोजिशन, देखिए सुपर पोजिशन क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स, दो एस एच एम की सुपर पोजिशन देखते हैं। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टिकल को दो डिफरेंट डिफरेंट एस एच एम अपना मतलब अपने इफेक्ट में लाती हैं, यानी कि एक पार्टिकल को दो डिफरेंट डिफरेंट एस एच एम को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी को अगर मैं यहां से यूं अटैच कर दूं ये, तो ये अकेली ही एस एच एम करेगी, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये के और ये मास एम। आप देखो अगर यहां पे देखा जाए तो इस गाड़ी को आप इस गाड़ी को यहां से इस तरफ 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, यहां से 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, तो ये पूरा सिस्टम 3 सेंटीमीटर की एसएचएम करेगा। लेकिन अगर आप जिस टाइम इस गाड़ी को 3 सेंटीमीटर आपने इधर खींचा है, इस ब्लॉक को भी 2 सेंटीमीटर खींच दीजिए, तो जो ये ब्लॉक है इस गाड़ी के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर होगा गाड़ी की वजह से, और ये गाड़ी के ऊपर ऊपर 2 सेंटीमीटर और आगे गया तो 2 सेंटीमीटर दूर और चला जाएगा, तो इन टोटल 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चला जाएगा ये यहां से। अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम है, अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम है, तो ये ब्लॉक, ये गाड़ी जब यहां से वापस आएगी उसी टाइम ब्लॉक इस गाड़ी के ऊपर ऊपर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ब्लॉक यहां आ जाएगा, फिर इस तरफ 5 सेंटीमीटर पे जाएगा, फिर इस तरफ। आप खुद देखिए दो चीजें एसएचएम कर रही है, ये तो 3 सेंटीमीटर की एसएचएम कर रही है और ये उस 3 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर की एसएचएम कर रहा है, तो 3 सेंटीमीटर वो जाती है और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ये चला जाता है, तो इन टोटल 5 सेंटीमीटर की एसएचएम हो रही है इस एम मास के ब्लॉक की। तो ये एसएचएम पे एसएचएम का इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो सुपरपोजिशन किस में होती है, दो एंगल होते हैं थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ एसएचएम्स, यानी कि एक एसएचएम अगर इस और इस डायरेक्शन में हो रही है तो दूसरी एसएचएम भी इस और इस डायरेक्शन में हो रही है, तब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और अगर एक एसएचएम इस डायरेक्शन में हो रही है और दूसरी एसएचएम इस डायरेक्शन में हो रही है, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में एसएचएम हो रही है और इसमें हो रही है एसएचएम, तब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये वाला केस कैसे होगा, मान लीजिए यहां पे ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में यहां पे इस तरीके से व्हील लगे हुए हैं और ये बॉक्स इस तरीके से यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ये एक्स डायरेक्शन में एसएचएम करेगा, पर इसकी छत में एक और ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक जो है ये ऊपर नीचे एसएचएम करेगा, तो अगर आप इसको ऊपर बांध दो और इसके इधर ले जाओ, दोनों को एक साथ छोड़ दो, तो इस स्प्रिंग की वजह से एसएचएम ऐसे ऐसे होगी और इस स्प्रिंग की वजह से एसएचएम ऐसे ऐसे होगी, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे यूं यूं एसएचएम होगी रिजल्टेंट, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाओगे और इसको उधर खींचोगे तब वहां पहुंच जाएगा पार्टिकल, वहां से रिलीज करोगे तो इस स्प्रिंग की वजह से पार्टिकल नीचे आएगा और इस स्प्रिंग की वजह से पार्टिकल आगे आएगा, तो इन टोटल पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा और फिर मीन पोजीशन से नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इस लाइन पे एसएचएम होएगी यूं। तो इस केस में एक एसएचएम इसमें हो रही है, एक इसमें हो रही है, ठीक। तो ये एसएचएम एक्स वाली और वाई वाली एक साथ हो रही है, इसमें एक एसएचएम एक्स में और दूसरी भी एक्स में है, तो इस केस में एक एक्स में दूसरी भी एक्स में, इस केस में एक एक्स में और एक वाई में है, तो ये एसएचएम के बीच का एंगल है। दो एसएचएम के बीच का एंगल 0 भी हो सकता है और दो एसएचएम के बीच का एंगल 90 भी, कुछ भी हो सकता है। अगर इंक्लाइन प्लेन ले तो ये इंक्लाइन प्लेन पे भी एसएचएम हो सकती है। ये तो थीटा होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ एसएचएम,
एक और एंगल इन्वॉल्व होता है जो SHM की मेन पोजीशन से होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ SHM, यानी कि अगर एक SHM t इज इक्वल टू जीरो पे एक SHM पार्टिकल को मेन पोजीशन पे रखना चाहती है और दूसरी SHM पार्टिकल को उसी टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पे रखना चाहती है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं जो ये गाड़ी है, ठीक है, नोट करिए इसको, ओके देखिए, तो ये जो एंगल हम यहां पे बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल बिटवीन फेजेस ऑफ SHM, SHM की फेज के बीच का एंगल है। यानी कि एक SHM जो अप्लाई की जा रही है वो मान लो इस टाइम पे मिड पोजीशन पे रखना चाहती है, के पार्टिकल इस टाइम मिड पोजीशन से पास हो, दूसरी जो SHM है वो इस टाइम इसको एक्सट्रीम से वापस बुलाना चाहती है, तो ये वाली SHM 90 डिग्री आगे है फेज में, ये पीछे है, तो जो फेज के बीच का एंगल है फाई होता है, उसको समझ लीजिए 90 डिग्री हो गया इसमें, तो दो एंगल हो गए, दो एंगल इन्वॉल्व हो गए, एक तो SHM की डायरेक्शन के बीच का एंगल कि एक SHM ऐसे होना चाहती है या ऐसे होना चाहती है वो हो गया, और एक इसकी फेज का एंगल होता है, जैसे 2π एंगल पूरा होते ही इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो दो एंगल इन्वॉल्व हो गए, थीटा और फाई, तो ये दोनों एंगल ही हमको ध्यान रखने हैं, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये किस एंगल की बात हो रही है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, वो ये कहता है कि अगर किसी टाइम टी पे एक SHM पार्टिकल को Y1 का डिस्प्लेसमेंट देना चाहती है मिड पोजीशन से, दूसरी SHM Y2 के डिस्प्लेसमेंट पे रखना चाहती है उसी टाइम पे, तो रिजल्टेंट इनका सम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम हो जाएगा। अगर दोनों Y में तो ये होगा, दोनों X में तो क्या होगा, X1 प्लस X2 का वेक्टर सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट का ये, और अगर एक एक्स में है और एक वाई में है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट SHM या जो भी डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो ये होगा। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये SHM का एम्पलीट्यूड है, ये SHM का एम्पलीट्यूड, दोनों को जोड़ने पे रिजल्टेंट SHM ही आए, अगर एक ही डायरेक्शन में तो SHM आ जाएगी, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है SHM आए, वो इक्वेशन आ जाएगी अपने आप। तो यहां पे हम दो केस करते हैं, जब एक थीटा की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि एक SHM एक्स में दूसरी भी एक्स में, तो तब क्या होता है, एक इक्वेशन को अगर हम लिखें X1 जो पहले वाला है उसकी इक्वेशन क्या होगी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस Φ1, दूसरी इक्वेशन क्या होगी X2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस Φ2, इसको X और X ही मान लेते हैं, यानी कि ये एक SHM को डिनोट कर रहा है X1 और ये दूसरी को डिनोट कर रहा है, तो अगर ये दोनों SHM एक साथ लगती हैं तो यहाँ पे दोनों के फेज का डिफरेंस कुछ हो सकता है, एक तो दोनों के फेज का डिफरेंस अगर डेल्टा फाई की वैल्यू कुछ है तो उसको बोलेंगे Φ2 - Φ1, ये दोनों के फेज का डिफरेंस होगा, फेज का डिफरेंस ये है, ठीक, तो जो रिजल्टेंट SHM होगी, जो रिजल्टेंट SHM होगी वो X1 और X2 को जोड़ के आएगी, ठीक, तो रिजल्टेंट SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा, तो रिजल्टेंट SHM भी इसी फॉर्म में साइन
ओमेगा टी प्लस फाइ रिजल्टेंट इस फॉर्म में होगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है अगर सेम डायरेक्शन में हो, थीटा की वैल्यू जीरो हो, तो ये आएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई और इसका अंडर रूट। तो रिजल्टेंट एस एच एम का एम्पलीट्यूड तो यहां से मिल गया मुझे, और वो जो फाई है इस फाई की वैल्यू मिल जाएगी जो रिजल्टेंट में यहां लिखा जाएगा, दिस फाई इज इक्वल टू, अगर इनका वेक्टर सम करेंगे तो ए वन साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई ए टू प्लस ए वन कॉस डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला टेन फाई का। इस फॉर्मूले से फाई कैलकुलेट हो गया जाएगा, तो आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन आपके पास रेडी हो गई। तो दो अलग अलग एसएचएम की अगर सुपरपोजिशन होती है तो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। किसी भी एसएचएम की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है अगर मुझे एम्पलीट्यूड और फाई पता चल जाए और ओमेगा पता चल जाए। ओमेगा तो सेम ही होगा, दो एसएचएम अगर सेम ओमेगा की है तो उनका ओमेगा भी सेम ही होगा, और फेज का डिफरेंस जितना भी है वो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, उससे डेल्टा फाई जो निकालने का तरीका ये वाला, यहाँ पे ये जो फाई यूज हो रहा है ये वाला फाई, टेन फाई करके ये चीज निकल जाएगी। डेल्टा फाई क्या है, फाई टू माइनस फाई वन, तो ये वाली वैल्यू यहाँ यूज होगी। इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन पूरी की पूरी लिख सकते हो। ठीक, इस पे मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। देखिए, इसने कहा है कि दो एस एच एम है जो एक साथ लग रही हैं किसी एक पार्टिकल पे, तो x1 की वैल्यू है 3 साइन ओमेगा t और x2 की वैल्यू है 4 कॉस ओमेगा t। तो ये बोल रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM, जो रिजल्टेंट SHM है, रिजल्टेंट SHM है उसका एम्पलीट्यूड बताना है कितना है, एंड इक्वेशन भी बतानी है, रिजल्टेंट उसका एम्पलीट्यूड और इक्वेशन बतानी है। तो इस इक्वेशन को देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं फोर कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना, अगर साइन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखो, फाई वन की वैल्यू तो जीरो हो गई, फाई टू की वैल्यू हो गई पाई बाई टू, ए वन की वैल्यू थ्री हो गई, ए टू की वैल्यू हो गई फोर, तो ए रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू कॉस 90। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, पाई बाई टू माइनस जीरो, यानी के पाई बाई टू, तो इंटू कॉस पाई बाई टू और इसका अंडर रूट। तो ये वाली चीज हो गई, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस जीरो, कॉस पाई बाई टू तो जीरो होता है, तो यहां पे रिजल्टेंट आ गया 5। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होएगा 5 का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 का होएगा। अब अगर रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन हम फाइंड आउट करने की सोचें तो रूल ये कहता है कि जो रिजल्टेंट एसएचएम है उसकी इक्वेशन लिख दो एक बार। जैसे मान लो रिजल्टेंट की इक्वेशन लिख दी मैंने, ए रिजल्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस नया वाला फाई जो उससे आ रहा है, ए आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है फाई, ओमेगा की वैल्यू वही होगी जो वहाँ पे यूज़ हो रही है, फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है और टेन फाई का मुझे फार्मूला पता है। टेन फाई का फार्मूला क्या होगा, ए वन साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई ए टू प्लस ए वन कॉस डेल्टा फाई, ये होता है। A1 की वैल्यू 4 इंटू
साइन पाई बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर इंटू कॉस पाई बाई टू। तो आप देखो 4/3 आंसर आ गया, साइन पाई बाई टू 1 और कोस पाई बाई टू 0, तो 4/3 ये टेन फाई आ गया, तो फाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 5 sin ωt प्लस 53 डिग्री। ये रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम सुपरपोजिशन लगा के रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन भी लिख सकते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए।